नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EGR वाल्व की। आपकी जो कार है उस कार में EGR वाल्व है, तो इसका वर्क क्या है, उस इंजन के अंदर EGR कहाँ लगा रहता है और इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है और ये यदि खराब हो जाता है तो क्या हो गया है और ये बिल्कुल सही है तो क्या होता है, तो इसकी सारी सारी चर्चा जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट बात है EGR जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जो है वो EGR का पूरा नाम है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका है कि हमने जब गाड़ी स्टार्ट करी है तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है, साइलेंसर सिस्टम है, तो साइलेंसर जो होता है वहाँ से जब गैस निकलती है तो ये क्या करती है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का मतलब हो गया कि जो गैस निकल गई है उस गैस का रिसर्कुलेशन जो है वो EGR जो वाल्व है वो करता है। तो ये कैसे करता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, जब गैस ही बाहर निकल चुकी है साइलेंसर से तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, तो इसकी सारी सारी चर्चा जो है वो अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को पूरे के पूरे समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है। तो देखिए यहाँ पर एक एयर फिल्टर है, आपकी गाड़ी में एयर फिल्टर होता है, यहाँ पर जाने के बाद में पिस्टन सिस्टम होता है, सब गाड़ियों में होता है, टू स्ट्रोक थ्री स्ट्रोक जो भी है सब गाड़ियों में पिस्टन होता है, यहाँ पर फोर स्ट्रोक, और यहाँ पर ये जो होता है ये होता है साइलेंसर सिस्टम। यहाँ से जो गैस है एग्जॉस्ट गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है, और ये जो होता है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये है EGR, ये इतना इतना जो आप देख रहे हो ये है EGR। तो ये इस प्रकार से इसमें लगा रहता है। अब इसका वर्क क्या है, कैसे काम करेगा, इसको बिल्कुल से आप केयरफुली ध्यान से समझेंगे। चाहे आपकी पेट्रोल की गाड़ी हो चाहे आपकी डीजल की गाड़ी हो, सब में सिस्टम जो है वो बिल्कुल से सेम होता है। इग्निशन सिस्टम तो सब में होता है, जो आपकी डीजल की गाड़ी है तो उसमें प्लग वगैरह नहीं होता, और जो आपकी इंजन जो है उसके अंतर्गत तो आपकी यदि फ्यूल के अंदर आपका जा रहा है डीजल, तो उस समय यहाँ पर क्या हो गया कि जो स्पार्क प्लग होता है उसकी जगह पर कुछ और होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एयर फिल्टर जो है वो तो यहाँ लगा रहता है, और एयर फिल्टर जो है यहाँ से क्या होता है कि एयर जो होती है वो खींची जाती है। अब जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो आपको पता है कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो गाड़ी में दो चीज़ें जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक तो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एयर का, और एक होता है यहाँ पर फ्यूल का। एयर और फ्यूल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी, अच्छा एवरेज देगी और गाड़ी जो होती है वो स्मूथ चलेगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है तो गाड़ी जो होती है उसमें गड़बड़ होती है। तो यहाँ से एयर आती है गाड़ी स्टार्ट होती है तो, और ये इसका पिस्टन यहाँ से चलता है, इसको इंटेक वॉल्व बोलते हैं। यहाँ से इंटेक वॉल्व से यहाँ पर क्या होगी, एयर आ गई, ठीक है, और इसके अंतर्गत डीजल या पेट्रोल जो भी है वो इसके अंतर्गत आया हुआ है, जिससे गाड़ी जो होती है इसमें स्पार्क हुआ तो इसके अंतर्गत जहाँ पर भी पिस्टन में स्पार्क होगा तो वहाँ से क्या होगी, गैसेज जो है वो बनेगी, गाड़ी में घर्षण होगा और शक्ति उत्पन्न होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो ही यहाँ से ये पिस्टन चालू हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो उस दौरान क्या होता है कि इसमें से गैसेज जो होती हैं वो बाहर की साइड में निकलती है। इस प्रकार से ये जो गैस है वो बाहर की साइड में निकलती है, जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस जो होती है वो साइलेंसर के माध्यम से होती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर ये बीच में लगा हुआ है EGR वाल्व, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, तो ये यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, तो इसका क्या काम है, देखिए अब यहाँ से क्या होता है कि जो इसमें पिस्टन जो है वो चलने से गाड़ी स्टार्ट हुई है तो यहाँ से गैसें निकली हैं, तो कुछ गैस तो यहाँ से निकल गई। अब गैस जो होती है, इस गैस में मेन जो होती है गैस वो होती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, ठीक है, और CO2 गैस जो होती है वो क्या करती है कि यहाँ से जब जाएगी तो कुछ तो यहाँ से निकल जाएगी और कुछ गैस जो होती है वो यहाँ से इस साइड से होके इधर की साइड में जाएगी, ठीक है। CO2 गैस जो होती है वो क्या करती है कि इग्निशन जो सिस्टम होता है, यानी जो इसमें आग उत्पन्न होती है, इसके अंतर्गत जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस टेम्परेचर को क्या करती है, वो कवर करती है, टेम्परेचर को वो डाउन करती है। CO2 गैस का ये कार्य है कि टेम्परेचर जो बना है उस टेम्परेचर को ये क्या कर देती है, डाउन कर देती है, ठीक है। तो CO2 गैस आपने अन्य जगह पर भी देखिए, CO2 के वर्क्स आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ पर CO2 गैस जो होती है वो यहाँ से होते हुए जब यहाँ जाएगी तो ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्व यहाँ से खुल जाता है। देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम सिस्टम है, यहाँ पर एक वैक्यूम वॉल्व होता है, यहाँ से वैक्यूम वॉल्व होता है जिसमें मोटर लगी रहती है। तो वैक्यूम वॉल्व जो होता है वो यहाँ से इस स्प्रिंग को क्या करेगा, वैक्यूम वॉल्व इसको ऊपर की साइड में करेगा, जिससे कि ये जो है वो यहाँ से खुल जाएगा, और ये जब यहाँ से खुल जाता है तो अब ये कंडीशन आ जाती है यहाँ पर, ये खुलने के बाद में कंडीशन आ जाती है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये वॉल्व जो है वो खुल चुका है।
अब गाड़ी स्टार्ट है, ये वॉल्व खुल चुका है, यहाँ से CO2 गैस जो है वो कुछ यहाँ से निकल रही थी, अब CO2 गैस यहाँ से होती हुई यहाँ से होने के बाद में ये CO2 गैस जो है ना वो इस प्रकार से होती हुई यहाँ से होती हुई और ये रास्ता जो है इस रास्ते से होती हुई यहाँ पहुँच जाती है वापस। तो यहाँ से देखिए कि एयर आ रही थी साइड में, तो ये साइड में तो एयर आ रही थी और इस एयर के अंदर क्या होती है CO2 गैस जो होती है वो भी मिक्स हो जाती है और इस पिस्टन पर वापस आ जाती है। तो ये जो होता है इसका सर्कुलेशन हो जाता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एग्जॉस्ट गैस जो होती है उसका रिसर्कुलेशन करता है। यहाँ से एयर फिल्टर से गैस आई, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आई। अब देखिए इसका वर्क क्या है, गाड़ी जब आपकी स्टार्ट है तो उस समय जो इस गाड़ी का जो आरपीएम होता है राउंड पर मिनट जो होता है इसका, जो इसके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो लगभग 700-800 के आसपास होता है। लेकिन जो ही आप गाड़ी के अंदर रेस देते हैं तो इसका टेम्परेचर जो वो बढ़ जाता है, गाड़ी को अपन जितना तेज भगाएंगे उसी प्रकार से गाड़ी का जो आरपीएम है वो बढ़ेगा, तो उसमें जो हीटिंग सिस्टम है वो भी बढ़ेगा और गाड़ी की जो पिस्टन का जो हीटिंग सिस्टम है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है जो कि हाई टेम्परेचर है। कई कई गाड़ियों में तो 3000 तक ही पहुंच जाता है, 3100 तक भी पहुंच जाता है जो कि गाड़ी को हीटिंग करती है, गाड़ी को हीट कर देती है। तो ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि यहाँ बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि अब ये CO2 गैस, जैसे टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा, CO2 गैस यहाँ से निकली, अब ये एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो लगभग हाई टेम्परेचर भी खोलता है। पहली बात यही है कि वैक्यूम जो आपके पास पंप लगा हुआ है वो वैक्यूम पंप जो होता है वो हाई टेम्परेचर लगभग उसका फिक्स रहता है 2500 के आसपास, 2500-2600 के आसपास। तो उस टेम्परेचर पर क्या होता है कि वैक्यूम पंप जो होता है वो कार्य करता है और ये जो वॉल्व है इस वॉल्व को ये खोल देता है। खोलते यहाँ से CO2 गैस जाएगी और यहाँ से होते हुए जब यहाँ पर आएगी तो CO2 गैस का वर्क मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करती है कि जो हाई टेम्परेचर होती है उस टेम्परेचर को ये लो टेम्परेचर में ला देती है, डाउन कर देती है CO2 गैस। तो ये जो यहाँ से जाएगा तो इसका टेम्परेचर अभी 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था, अब यहाँ से ये CO2 गैस जाएगी तो इसका टेम्परेचर जो है 2500 की बजाय अब थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि एयर के साथ में CO2 गैस भी जा रही है। ठीक है, तो CO2 गैस जाते ही इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता हुआ 2000 के आसपास या 1900-1800-1700 के आसपास पहुंच जाता है यदि वॉल्व सही काम कर रहा है, तो गाड़ी जो होती है वो ओवर हीट होने से बचती है, गाड़ी में हीटिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। दूसरी बात, इसमें जो गैसें हैं इन गैसों में क्या होता है कि मेनली नाइट्रोजन गैस आती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें आती हैं। तो इसमें से नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेती है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो यदि ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेती है तो यहाँ से NO बनता है, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन है कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है उस आधार पर ये NOx जो है वो बन जाता है NOx। ठीक है, तो ये जो गैस बनती है NO गैस, तो ये NO गैस जो होती है वो बहुत ही हानिकारक गैस है और ये जो वातावरण के लिए भी हार्मफुल गैस है। तो ये गैस जो होती है वो यहाँ से बन जाती है जो कि यहाँ से होने के बाद में जब यहाँ पर आती है, ठीक है, तो कुछ एग्जॉस्ट जो अपने पास गैस है उसमें से कुछ मात्रा में तो ये गैस यहाँ से निकल जाती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है थोड़ी मात्रा में, लेकिन यहाँ से ये NO जो होता है वो आसानी से नहीं बने। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ से ये जो और अन्य गैसें आएंगी उसी के साथ साथ में CO2 गैस भी इसके अंदर जाएगी, तो ये गैस जो होती है वो यहाँ पर कम बनेगी जिससे कि वातावरण में प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो इस गैस को कम करने के लिए, वातावरण को प्रदूषित कम करने के लिए, ठीक है, और ये जो गैस है यहाँ से जा रही है तो इसका ये मेन वर्क हो गया। इसके अलावा देखिए ये जो यहाँ से गैस यहाँ से जाने के बाद में इस साइड से होके यहाँ से रिसर्कुलेशन होती गई, तो बार बार में रिसर्कुलेशन होती है, तो यहाँ से जो आप देखते हो ना आपकी गाड़ी के अंदर जो ब्लैक स्मोक आता है वो यहाँ से नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि ये सिस्टम बराबर चल रहा है, CO2 यहाँ से होने के बाद यहाँ आ रही है, यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ आ रही है, बार बार में सर्कुलेशन होता जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी जो है वो ब्लैक धुआं नहीं देगी, ब्लैक स्मोक जो है वो बिल्कुल से नहीं देगी क्योंकि इसमें एयर का और यहाँ पर जो फ्यूल का कॉम्बिनेशन है वो भी बिल्कुल से सही सेट है। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि ये वॉल्व जो होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुलता है, कम टेम्परेचर पर नहीं खुलता, कम टेम्परेचर होगा तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि इसमें आप खराबी क्या आती है इस EGR वॉल्व में खराबी क्या आती है कि ये जो होती है इसके अंदर जब आप CO2 गैस देखते हैं यहाँ से जा रही है तो जाने के बाद में और ये बार बार CO2 गैस यहाँ से जाएगी तो ये जो यहाँ पर जगह दिख रही है यहाँ पर CO2 गैस साथ साथ जमती जाएगी, यहाँ पर भी CO2 गैस जम जाएगी, यहाँ भी CO2 गैस जम जाएगी, तो गैस जमने से ये जो वॉल्व है वो ऊपर नहीं उठता है, तो ये वॉल्व ऊपर नहीं उठेगा तो ये वॉल्व यहीं का यहीं रहेगा यहाँ पर ही और ये ऊपर उठा नहीं है, इस प्रकार से यहीं का यहीं टिका रह गया है। अब ये चाहे वैक्यूम जो आपकी पंप है ये कितना भी काम करो, अब ये यहाँ पर CO2 गैस एक बार जम गई है सब जगह पर यहाँ पर, तो ये वैक्यूम पंप जो है वो कार्य करेगा नहीं, ऊपर शायद उठेगा नहीं, तो अब इसमें अपने को क्या हो गया
गाड़ी में लॉस हो सकता है। गाड़ी में लॉस क्या होगा कि गाड़ी का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच चुका है, आपकी गाड़ी हाई आरपीएम में है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब यहाँ से CO2 गैस बन रही है, CO2 गैस बनने के बाद में अब ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये वॉल्व जो है वो बंद है, खराब हो चुका है यहाँ से इसके CO2 गैस जमने से, सॉरी कार्बन वगैरह जमने से, तो यहाँ से कार्बन वगैरह जम गया है जिसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ से ये साइड आप देख रहे हो कि ये वॉल्व जो है वो बिल्कुल से बंद हो गया है, तो ये गैस जो है वो सीधी यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी गैस सीधी यहाँ से निकलने शुरू होगी तो CO2 जो है वो यदि निकल रही है साथ साथ अन्य गैसें भी यहाँ से निकल रही है, तो एक तो ये स्मोक वगैरह देती रहेगी, ठीक है, जो कि ब्लैक स्मोक के रूप में निकलता रहेगा, तो इसमें से ये CO2 गैस जो इस साइड से होके यहाँ से नहीं जा रही है, तो गाड़ी का टेम्परेचर जो बढ़ गया है, गाड़ी जो हाई टेम्परेचर में आ गई। कई बार बोलते हैं हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ी में हीट बढ़ चुकी है, ये हो गया गाड़ी ओवर हीट हो रही है, तो इसका रीज़न यही है कि ये जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, जो EGR वॉल्व है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गैसें जो वो सीधी यहाँ से निकलने जाती है और टेम्परेचर जो है वो 2500 डिग्री से वो होता हुआ 3000 तक पहुँच जाता है और आपकी गाड़ी जो होती है वो ओवर हीट होना शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो ये कंडीशन। नंबर सेकेंड, यदि ये वॉल्व जो होता है वो यहाँ नहीं होके और ऊपर के साइड में रह गया, मतलब ये यहाँ रह गया और ये ओपन रह गया, तभी भी गाड़ी को आपको हीट की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी दिक्कत हो रही है, ये वैक्यूम जो मोटर है वो बिल्कुल से काम कर रही है लेकिन इसमें कार्बन वगैरह जमने से ये पंप जो है वो काम नहीं कर रहा और ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है स्प्रिंग वगैरह ऊपर की ऊपर ही रह गई है। अब गैसें जो होती है वो यहाँ से होके ये जो पाथ है ये पाथ बना लेगी और ये पाथ से होके गैसें ऐसे जाना शुरू कर देगी। अब आपकी गाड़ी को अभी भी लॉस है। लॉस क्या कि जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो टेम्परेचर आपको पता है कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है आराम से, टेम्परेचर इसका कम है 700-800 RPM के समथिंग चल रही है, बिल्कुल से कोई कम से कम है, तभी ये गैस यहाँ से जाएंगी तो CO2 गैस बनेगी, वो यहाँ से होके यहाँ से चली गई। अब गाड़ी आपकी बिल्कुल स्लो में है, बिल्कुल से टेम्परेचर भी नहीं है, गाड़ी हीट भी नहीं हुई है और अभी भी CO2 गैस और जा रही है, तो इसमें से जो इसका टेम्परेचर है वो बहुत ही मतलब पहले से जो था ना उससे भी कम हो गया, क्योंकि मैंने बताया CO2 गैस जो होती है वो टेम्परेचर को लो करती है, तो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो होता है वो इसकी कमी की वजह से और भी लो हो जाएगा और आपकी गाड़ी खड़ी खड़ी ऐसे धड़ 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 करने लग जाती है ना, जो आप रेस देते हो तो ठीक है, फिर रेस कम कर देते हो तो वो धड़ 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 करने लग जाती है, या आप गाड़ी को हिसाब से चला रहे हो चलाने के बाद में और धीरे धीरे चल रही है, मतलब नॉर्मल वे में चल रही है और आपकी गाड़ी बीच में पंप से जंप से भी करने लग जाती है, अनेक प्रकार ऐसे लगता है जैसे इंजन के अंदर पंपिंग हो रही है, इंजन जो होता है वो धड़ 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 की आवाज़ से करने लग जाता है, गाड़ी जो होती है अच्छे से रेस नहीं मानती है, तो इसका रीज़न क्या हो गया है कि गाड़ी जो होती है उस गाड़ी में CO2 की जो मात्रा है वो यहाँ से होती हुई यहाँ से वो कोने के बाद पिस्टन पर जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो हो रहा है वो जो बन रहा है उससे भी टेम्परेचर लो होता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है यहाँ से ऐसा होने की वजह से। लेकिन ज़्यादातर जो केस होता है उस केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये जो आप पंप देख रहे हो ये वाला पंप ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ही रुक जाता है और यहाँ से जाम हो जाता है, ऊपर नहीं होके नीचे के नीचे जाम हो जाता है। तो ज़्यादातर गाड़ियों में आपने ओवर हीटिंग की सिस्टम देखी है, यदि ऐसा ऊपर वाला मैंने पहले वाली बात बताई वो होती है तब तो आपको वैसा समझ लेना है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीटिंग, क्योंकि आपने ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी है, तो इसकी वजह से क्या होता है CO2 ऊपर नहीं जाएगी तो गाड़ी से CO2 या साइलेंसर से होते हुए बाहर जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जिससे गाड़ी ओवर हीट होना शुरू हो जाएगी, वैक्यूम मोटर जो होती है वो भी काम कर रही है लेकिन ये जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी गाड़ी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ से ब्लैक स्मोक जो है वो आना शुरू हो जाता है। यदि ये वॉल्व ऊपर की साइड में है तो उस समय आपकी गाड़ी से ब्लैक स्मोक नहीं आएगा, ये क्योंकि ये यहाँ से सर्कुलेशन शुरू से होना शुरू हो गया है तो ब्लैक स्मोक जो है वो तो आएगा नहीं, तो वाइट कलर का जो स्मोक है वो धीरे धीरे होना यहाँ से शुरू हो जाता है, आपको वाइट सा दिखेगा। लेकिन ऑलमोस्ट आजकल जो गाड़ी आई है उस गाड़ियों के अंदर क्या हो गया है EGR की जगह EGR आ गया है EGR, तो EGR जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक EGR है, तो इलेक्ट्रिक EGR जो होता है वो क्या करता है ऑटोमेटिकली सब सिस्टम है इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इसके अंदर कंप्यूटर से अटैच्ड होता है जो कि गाड़ी के अंदर होता है, कंप्यूटर में गाड़ी के अंदर जो सिस्टम होता है उसी के अंदर होता है कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर जो बढ़ जाता है तो उस दौरान ये अपने आप ही वैक्यूम पंप जो होता है वो काम करने लग जाता है और गाड़ी के अंदर सिस्टम जो होता है वो सेट होने लग जाता है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर हाई हुआ लो हुआ उस दौरान ये ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा, इसको बोलते हैं EGR इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस रिसर्क्यूलेशन, जिसका कार्य ये होता है। तो आजकल की गाड़ियों में तो ये होता है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं जो टर्बो इंजन वाली गाड़ियां हैं तवेरा वगैरह है या आप देख रहे हो स्कॉर्पियो वगैरह है ये सब हैं, इनमें सब में ऐसा ही होता है, जबकि आपने देखा स्विफ्ट डिजायर वगैरह है और जो गाड़ियां हैं जो अपनी बलेनो वगैरह भी गाड़ियां वगैरह आई हुई हैं, इसके अलावा आपकी जो मारुति की और की भी गाड़ियां हैं अन्य कोई गाड़ी है रेनॉल्ट वगैरह की गाड़ियां, तो उनमें सब में क्या होता है कि आपने देखा होगा स्मोक तो बिल्कुल भी नहीं होता, धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता, धुआं आपने कभी नहीं देखा होगा, उसमें से बूंदे पानी की सी जरूर गिरती रहती है, तो वो क्या होता है यहाँ से जब स्मोक वगैरह धुआं जब
निकलेगा तो यहाँ से इसी में सिस्टम है कि H2+O2=H2O बन जाएगा और इसमें से पानी जो होता है वो निकलता जाएगा। जबकि इसमें वॉल्व में गड़बड़ हो जाता है तब ये क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होने लग जाता है, आपका एयर फिल्टर भी ख़राब, जैसे यहाँ से एयर ढंग से नहीं जा रही और यहाँ से वॉल्व जो है इससे भी एयर जो होता है उसका सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, तो गाड़ी के अंदर ब्लैक स्मोक आना शुरू हो जाता है और आपकी जो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, जिससे गाड़ी ओवर हीट होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से गाड़ी जो ओवर हीट होती है ब्लैक स्मोक देती है, ठीक है, और अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने आज आपको बताया है वो EGR क्या है, EGR का वर्क क्या है, EGR खराब हो जाए तो क्या हो जाए, EGR का वॉल्व नीचे हो जाए तो क्या हो जाए, EGR का वॉल्व ऊपर हो जाए तो क्या हो जाए, वर्क नहीं करे तो क्या हो, इसको हटा दें तो भी प्रॉब्लम है, इसको हटाना मतलब ये बंद हो गया तो यहाँ से हटे समान ही समझो, यहाँ से ये बंद है तो हटे समान ही समझो, तो आपको ऐसा महसूस हो तो इस EGR को आसानी से खोला जा सकता है। इसमें दो सिस्टम है खोलने के, एक तो वो यहाँ से खुलता है यहाँ से इस साइड से और एक यहाँ से खुलता है, दो साइड से खोलेंगे तो EGR जो वॉल्व है वो बाहर निकल जाता है, इसका एक पाइप होता है उस पाइप को हम खोल के अलग कर सकते हैं, तो आसानी से हम EGR को अलग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो मेरा बनाया वीडियो वो पसंद आया होगा, EGR के बारे में जो भी मैंने बताया वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।